स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अनुसार करदाता आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपना आयकर रिटर्न ITR कब दाखिल कर सकते हैं? ए 1 जनवरी 2024 से, बी 1 अप्रैल 2024 से, सी 1 जुलाई 2024 से, डी 1 अक्टूबर 2024 से। आंसर बी 1 अप्रैल 2024 से। एक्सप्लेनेशन: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने करदाताओं को 1 अप्रैल 2024 से आकलन वर्ष 2024-25 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपनी आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने की सुविधा दी है। अगला प्रश्न: विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 8 मार्च, बी 7 अप्रैल, सी 1 मई, डी 15 जून। आंसर बी 7 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन: 1948 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने 1950 से प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है। अगला प्रश्न: परिवर्तन चिंतन त्रि सेवा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए संयुक्तता और एकीकरण प्रयासों के लिए नए विचार और सुधार उत्पन्न करना, बी सेना के भीतर आंतरिक संघर्षों का समाधान करना, सी सशस्त्र बलों के लिए बजट आवंटन पर चर्चा करें, डी चल रहे सैन्य अभियानों की समीक्षा करें। आंसर ए संयुक्तता और एकीकरण प्रयासों के लिए नए विचार और सुधार उत्पन्न करना। एक्सप्लेनेशन: परिवर्तन चिंतन नामक पहली त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। देश में सशस्त्र बलों के तीनों सेनाओं को मिलाकर एक एकीकृत थिएटर कमांड स्थापित करने के प्रयास की पृष्ठभूमि में तीनों सशस्त्र बलों थल सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुखों की बैठक हुई, जिसका उद्देश्य संयुक्तता और एकीकरण प्रयासों के लिए नए विचारों, पहलों और सुधारों को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न: हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है? ए सऊदी अरब, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी मलेशिया। आंसर सी न्यूजीलैंड। एक्सप्लेनेशन: न्यूजीलैंड ने पिछले साल रिकॉर्ड प्रवासियों के आने के कारण रोजगार से संबंधित अपने वीजा नियमों को कड़ा कर दिया है। अब न्यूजीलैंड अधिकांश उन नौकरियों के लिए बाहरी लोगों को बुलाएगा जिनके लिए देश में कौशल की कमी है। कम कौशल वाली नौकरियों के लिए भी अंग्रेजी भाषा की जानकारी अनिवार्य कर दिया और ज्यादातर रोजगार वीजाओं के लिए एक न्यूनतम कौशल और अनुभव की सीमा निर्धारित कर दिया गया है। अब कम कुशल प्रवासी एक बार में अधिकतम 3 साल ही न्यूजीलैंड में रह पाएंगे। अगला प्रश्न: हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? ए ओडिशा, बी गुजरात, सी गोवा, डी लक्षद्वीप। आंसर डी लक्षद्वीप। एक्सप्लेनेशन: हाल ही में 2 दिवसीय सागर कवच अभ्यास का आयोजन लक्षद्वीप द्वीप समूह में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने भाग लिया।